गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? बेटा, टुडे वी विल रिवाइज और लर्न चैप्टर नंबर 23 ऑफ योर ईवीएस बुक, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेफ्टी. ओके, ट्रांसपोर्टेशन मींस क्या होता है? यातायात. अगर हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो जिस के थ्रू हम जा रहे हैं, चाहे हम बस के थ्रू जा रहे हैं, कार के थ्रू जा रहे हैं, स्कूटर के थ्रू जा रहे हैं, या बाय एयर जा रहे हैं, एरोप्लेन के थ्रू जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर के थ्रू जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसपोर्ट. ठीक है, वी नीड ट्रांसपोर्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है. वी नीड इट ऑन लैंड, इन एयर एंड इन वाटर. हम तीन तरह से ट्रांसपोर्ट सफर कर सकते हैं. ठीक है, जैसे ऑन लैंड, इन एयर एंड इन वाटर. जो लैंड होता है, लैंड पे हम किस किस ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं? देखो, बस, कार, स्कूटर, ट्रक, बाइसाइकिल, इसमें ट्रेन भी आ सकता है. ठीक है, ऑन लैंड पर. ऑन लैंड मतलब हम धरती पर कौन कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं? बाय रोड. ठीक है, जैसे बस, कार, स्कूटर, ट्रक, बाइसाइकिल, इसमें और बाय रोड जो जो भी व्हीकल्स चलते हैं आप उनका नाम लिख सकते हैं, जैसे ट्रेन का भी लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है इन एयर. हवा में कौन कौन, हवा के थ्रू, इन एयर के थ्रू हम कौन कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं? अगर हमने बाय एयर ट्रांसपोर्ट करना है तो देखो, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, हॉट एयर बलून, रॉकेट. ठीक है, ये है बाय एयर. एंड इन वाटर, अगर हमने वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है तो क्या क्या होगा? देखो, शिप, सबमरीन एंड बोट. ठीक है, जो ये सबमरीन होती है बेटा, ये पानी के अंदर भी अंदर चलती है. ठीक है, हम ये पानी के अंदर, अब अगर हमने इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट, अगर हमने इसके थ्रू सफ़र करना है तो हम वाटर के अंदर भी जो एनिमल्स होते हैं, जो फिशेज होती हैं, हम उनको भी देख सकते हैं सबमरीन के थ्रू. ठीक है, ये बेटा आपके थे ट्रांसपोर्टेशन एंड सेफ्टी. तो ये आपने लर्न करने हैं ट्रांसपोर्टेशन, तो और मुझे अपना रिस्पॉन्स सेंड करना है. ओके बेटा, बाय बाय.